बंद कर दिया। ये बेंजीन इसमें डालेंगे, ये भर लिया हमने, अब इसको इसके अंदर डालेंगे, इसका क्या फंड करना हमने, बॉइलिंग पॉइंट इसको आप देखना, इसे बॉइलिंग पॉइंट के 80 होते हैं ना, आप देखना एकदम उठ जाएगा, देखना 80 आ गया टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इसका मुझे बता रहा है, कितना है 70 है। नीचे दूसरा बर्नर भी लगाओ, दूसरा बर्नर लगाओ तो बेंजीन का टेम्परेचर कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, थ्योरी क्या कहती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखना अब ये 80 गए, अभी ये पहुंचेगा तो ये बेंजीन उठ जाएगा 80 पर, आपको बेंजीन नजर नहीं, आपके सामने डाला है ना, ये बेंजीन है ना, आप देखना ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये उठ जाएगा। इसे कर लो बंद कर, टेम्परेचर कितना हुआ जी, ये 70 पर ये 74 हो गया। और ये देखें ये इसमें कौन सा केमिकल है, एसीटोन, देखें ये पूरा डाला था ना, ये और कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये तकरीबन 74 पर क्या हो गया ये, ठीक है। एसीटोन कौन सा केमिकल है जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, जो फीमेल नेल पॉलिश लगाती है उसको रिमूव करने के लिए जो केमिकल होता है वो एसीटोन है। तो एसीटोन 74 पर क्या हो गया, वो ब्रेड हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 74 है, तो इसे इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था 60। लेकिन ज़ाहिर है ये जब आपने इसको बीजे के अंदर रखा है तो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर चला गया, तो पानी जब जाएगा तो चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट में देखो चेंज, आपने पढ़ा ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री। अगर आप पानी के अंदर गलती से ये जान भी कर आप नमक डाल लेते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा चेंज। जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का होता है वो एक प्योर चीज़ का होता है, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई, आप बारिश के पानी को बॉइल ना, वो कभी भी 100 पर नहीं बॉइल होगा। ये देखिए अभी टेम्परेचर कितना हुआ है, ये तकरीबन 80 को पहुंचने वाला है। इसको दोबारा लगाओ, इसको साफ करो ऊपर से, इसको आग इसलिए लगी है कि इसके ऊपर भी केमिकल लगा हुआ है, ये केमिकल आग पकड़ते हैं। आपने देखे बेटा ये केमिकल के ऊपर लिखा होता है, सब देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉइजन, ये जहर है, जहर जहरीला है ये नहीं एक। अच्छा मेरी बात सुनो, ये इसको आग क्यों लगी है, ये आप केमिकल नजर आ रहा है आपको, ऐसी क्यों इसके ऊपर शोला बना हुआ है, ये निशान में बता रहा है कि इसको आग लग सकती है, शोला बंदे का गला होता है गले के ऊपर निशान होता है क्रॉस का, उसका क्या मकसद होगा, ये केमिकल मौत है, मौत समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये देखे इसके ऊपर भी निशान है, इसको भी आग लग सकती है, ये इधर जल्दी करो, 80 आना चाहिए, कितना हो गया, अभी भी देखो इसके अंदर है मौजूद है बेंजीन, अभी मौजूद है, टेम्परेचर कितना हुआ है 70। तो ये इसको स्पिरिट लैंप को आग क्यों लगी थी ऊपर से, तो बारे बार कौन सा टेम्परेचर हो मेयर, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर जो है बराबर हो जाए, लिक्विड वेपर बॉन्ड के उड़ने लग जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है उसको क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी प्रॉपर्टी है सॉलिड की, और बॉइलिंग पॉइंट किसी प्रॉपर्टी